आचना चबड़िया नहीं मैं नहीं आया इसलिए। अरे शुक्र मनाओ कि मैं जिंदा बच गया। दो दिन कृष्णाभिषेक की होस्टिंग देखने के बाद मैं जिंदा बच गया। साले उससे अच्छा तो मैं न्यूमन मैन को बोल रहा हूँ भाई तू होस्ट कर लेता शो को। और फिर एलवेश यादव के साथ इतना बुरा, मेरा भाई, साले इतनी गंदगी मचा रखी है। अरे एक तो पूजा भट्ट जब मुंह खुलती है ना भाई डालो इसके घास चबाने दो साले को, चुप रखो बस। मतलब कल तुम्हें पता है वीकेंड के बाहर के सेकंड एपिसोड में क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया 5-6 बार वो बंदी रोगी, कौन बंदी आशिका भाटिया। उसके बाद आई डायन, साले मैं सुबह जगा ही रहता हूँ सिर्फ इसलिए 9:30 बजे कि डायन को नाचते हुए देख लूँ, मैं एक बार इसका नाच देख लूँ, सपने अच्छे आएंगे मेरे को, क्योंकि बुरा सपना तो सामने चल रहा है ना मेरे। बात तो सही है। फिर आई डायन को लगाया मशीन, उस साली का कोई रिएक्शन ही नहीं, ऐसी खड़ी रही जैसे कुछ कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कहा आशिका भाटिया तो ओवर एक्टिंग कर दिया। इसके बाद आई जिया शंकर का नंबर, जिया शंकर तो भाई साहब बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो कर दिया बस एक शॉक में। साली एक शॉक में इतना रिएक्शन दिया जितना आशिका भाटिया नहीं दे रही थी। असल इसके बाद बीवी वर्ष में बैठा दिया दोनों को, क्योंकि लड़की रो गई है और सब लोग वैसे ही एलवेश का नाम ले रहे हैं। पूजा भट्ट का ज्ञान शुरू कि नहीं नहीं इंसानियत को हो गई है, इंसानियत घास क्यों नहीं दिया इसको अब तक, घास तो चबाएगी साली। मजा आया भाई वो करके चले गए। मैं भाई साहब सदमे में कृष्णाभिषेक को लेके दो वीक से अविनाश और फलक निकलना चाह रहे हैं, पब्लिक निकालना चाह रही है, बट ये सुनेंगे नहीं क्यों, क्योंकि बिग बॉस में ऐसा ही होता है। अब अगर तुम्हें नॉमिनेशन रखना है और इलेक्शन नहीं करना है तो फिर वोटिंग क्यों करवाते हो हमसे, हैं? हम खुद तो बैठे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैंने तो किया भी नहीं था वोट, बट फिर भी हम खुद तो बैठे यहाँ पे। साला अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या था वो सफेद वाला, क्या होता है यार, अरे होता है प्याज जैसा दिखता छोटा सा होता है सफेद था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो छिलवा रहे उससे सुबह 8 बजे, उनके लिए 8 बजे मेरे लिए 10 बजे होते हैं, और कहते तारीफ करो। मैं कहा नागिन बोल दूं, हैं पहले सपनों में सांपों से भरा समुंदर हरामन इतने ना भी और गाली खाएगी है। जिया शंकर की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं मालूम है। सर सुबह पहले इससे वो छिलवा दिया, फिर लंच के टाइम में फलकनाज आई कहती प्याज छिलो प्याज काटो और मेरी तारीफ करो। मैं कहा इतनी खूबसूरत भी नहीं है बे डायन की बहन, 70 दिन जेल में रहने वाले की बहन, भाई 70 दिन जेल में रहने की बेल मिली थी ना उसको, ये कुछ भी भाई साहब सुबह से काम करा रहे हैं इधर से उधर, उसके टीम मेंबर्स को बोलना पड़ रहा है, मतलब अपनी जो मंडली बना रखी है उन लोगों ने कि भाई तू रेस्ट कर ले ये टास्क है। रात में साला थकार के बैठा फुकरा इंसान मजे ले गया, कहता बर्तन धो अबे साले, और ऊपर से सजेस्ट कर रहे वीटो कर दे, बट भाई माना नहीं, भाई गया बर्तन धोने के लिए और पीछे पीछे फुकरा इंसान भी चले गए। बस उसको देखना था कि बाकी का रिएक्शन क्या होता है। अब इसमें इस वक्त पे दोनों बात कर रहे थे राव साहब दा, अरे यार जब से ये गया ना मेरे हर सजेशन में यही आता और मैं सुनता भी हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिक पसंद है, मेरे को गाना को तो आधा समझ में भी नहीं आता है, तो ये बर्तन धो रहे थे साला, इतने में अविनाश आ गया, कहते तुम बाहर की बात कर रहे हो, अरे तू अपना काम देख ना साले, इतने में बैठ शुरू हो गई एलविश की, वहां से फलकनाज भौंकने लग गई। अब ये जवाब दिया एलविश यादव ने कि भौंकना मत, भौंकना बंद करो, इस पे ऑफेंड ले गई जबकि दो पहलू खुद कुत्ता यूज कर रही थी वोट उसके लिए। उसके बाद कौन बनी वो, उसके बाद वो सांप बनी उसने भी एलवेश यादव को पकड़ लिया साला, उससे अच्छा तो आशिका भाटिया के साथ हुआ, आशिका भाटिया को पानी फेंकना था उसने एक बार किया, मैं नहीं कर रही, मैं कहा एलविश तू क्यों कर रहा, रहने देना, बट मजा तो आता है भाई साहब, मैं दिशाहीन हूँ मैं नालायक हूँ, अब सांपों को दोस्त समझ रहा था मैं, बढ़िया भाई साहब मुंह पे ही दे रहे हैं। चलो अभी आज तो सुबह का देखा ही नहीं मैंने, शाम में शुरू हो गया वो टास्क, तो उसका जो नौकर बना रखा था उसको घर का असिस्टेंट, वो टास्क खत्म करके उसको डिक्टेटर बनाया। अभी एलविश ने जब असिस्टेंट था जो बोला गया वो उसने किया, बट जब आरी आई डिक्टेटरशिप की एलविश को बना दिया कि तुम डिक्टेट करोगे, साले नौटंकी शुरू हो गई इनकी, बर्तन मैं नहीं धोऊंगा, टास्क है कि तुम्हें बुलवाना है कि जो जो एलविश बोलेगा वो तुम्हें रिपीट करना है। फलकनाज के अपने नखरे चल रहे, मैं कहा कौन है ये, क्यों रखा हुआ इनको शो में, क्यों दे रहे हो पैसे साले, इनको देखने का साले टॉर्चर लगता मुझे, अब पहले बोलने से ही मना कर रही थी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बट जैसी अविनाश की आई पहले आई लव यू बोलो
तो नहीं बोला। मैं ये शर्मा रही है या डरा रही है? और फिर बोल भी गई। दोगलापन की भी सीमा होती है यार। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अरे जिया शंकर को सांप बोलने के लिए बोला, एक झटके में बोल दिया उसने। शाबाश बहना शाबाश। साला अविनाश को बुलाया भी, वो तो भाई साहब अपनी ही धुन में है। मैं कहा कौन है तू, साला निकाल क्यों नहीं देते? वो ऑडियंस कह रही निकाल दो उसको, साला दोनों को निकालो, दो वीक से बचे हुए दोनों को इस वीक में निकाल दो, शादी मनाएंगे बाहर जाके, सुहागरात तो मनाएंगे ही बाद में। अब इनकी बहस शुरू हुई, एलिवेशन ने हुतिया बोल दिया उसको, अब इस पे वो भड़क गया। साले क्या बोले, बेवकूफ का बच्चा बोले तो तेरे को गुस्सा आ जाता है, काम करने के लिए बोले तो तेरे को करना नहीं है, टास्क करने के लिए बोले वो तो हो नहीं रहा, अब गाली भी ना दे तेरे को, पर भूतिया को भूतिया नहीं बोले तो क्या बोलेंगे, भूतिया साले भूतिया कहेगा। अभिषेक ने बोल दिया भाई तू तो गधा दिख रहा होगा, इस पे भड़क गया, गधा क्यों बोल रहा है ढंग से, अबे तू है गधा साले, गधे का बच्चा, गजब बेइज्जती है। आप ये चीज हुई, सांप ने शोक वाला पानी पिला दिया अलवेश को, अब अलवेश बोल रहा पी के देख अलग रहा है, अलग लग रहा है, उसको गिल्टी फील नहीं हो रही, जाके चुगली कर रही है अपने आंटी के साथ, अविनाश के साथ। मैं कहा थोड़ा तो शर्म कर ले, इंटरनेट पे सारे लोग कह रहे हैं शेम ऑन जिया, साले तेरे पिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, तो अग दिया तूने और मान भी नहीं रही है, बाद में कह रही हाँ मैंने किया सॉरी, अबे पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, कैसे नहीं किसी ने ढंग से धोया नहीं होगा, चल झूठा। पहले पहनिया मेरे को समझ में नहीं आया, सच बताओ जिया शंकर मेरे को समझ में नहीं आ रही, पहले तो बाथरूम में जाके कहती आई लव यू, हैं आई लव यू के डीएम करेंगे, फिर बाथरूम में पलकनाथ और जिया शंकर अभिषेक को फिट कर रही है आशिका भाटिया के साथ, वहां पे एलवेश मनीषा रानी समझ ले रहा है कि हाँ तेरा बॉयफ्रेंड है ये, प्यार व्यार है तेरा, ये भाई है क्या है, ये दोस्त क्या है, अविनाश और फलक का चल ही रहा है, जिया और जयद का क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, साले सबके सब लगे पड़े प्यार मोहब्बत बांटने में, आशिका भाटिया एलवेश यादव के साथ शिप हो रही है, एलवेश यादव कहता भाई अभिषेक को कि भाई इसको समझा दे कि मेरे से चिपके ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता, तो कहता भाई जिस वजह से तूने मुझे समझाया वैसे उसको समझा दे, बात समझ जाएगी, कहता समझा तो दू फिर ऐसा ना लगे कि सोच छोटी है मेरी, बढ़िया है। इसके बाद साली मनीषा बीच में बैठ गई थी, एक तरफ अलविश दूसरी तरफ आशिका, अभिषेक ने मनीषा को उठा दिया, ये साली लेट गई, मैं बाप इतने मजे मत ले भाई, वो भाई तारे में है, पर भाई चारा निभाने की बात आती है तो निभाता भी है, आज वो पूरा घर से लड़ने को तैयार है अलवेश यादव के लिए, पहले मूड खराब हो गया अभिषेक का, बैठ गया, उसके बाद फिर उठा फिर लड़ाया अविनाश से, शाबाश लौंडे शाबाश भाई चारा, बात तो सही है। वैसे कुछ भी कहो मजे तो अलवेश ले रहा है, सबसे ज्यादा मजे अलवेश लेता है, पहले नॉमिनेशन का टास्क है, मैं तो कहूं कि मेकर थी हरामी है, पहले तो वीकेंड के बारे में जिया शंकर और अभिषेक को नचवा दिया, यहाँ पे शुरू हो गया अभिया चुपना, साला नॉमिनेशन का टास्क आया, बेबिका को पूजा का टैग दे दिया और पूजा को बेबिका का, मैं कहा हो गया काम, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे नहीं, अभिषेक कितना भी ट्राई कर ले मैनिपुलेट है, बहुत तगड़ा हो मैनिपुलेशन करी उसने, जयर को कन्विंस कर दे कि जिया को वोट कर दे और उसने कर भी दिया, बट साले इन दोनों का तो श्योर ही हो गया ना, या तो एलविश का देती है अभिषेक को और अभिषेक का देती है एलविश को, तो समझ में आता कि हाँ ये दोनों तो नहीं करेंगे, अब तुम साले इधर उधर कर दोगे तो क्या होगा, अभिषेक अपने आप को बचाने के चक्कर में जिया शंकर को लगा पड़ा है कि भाई कुछ भी हो जाता मैं तुझे वोट नहीं करता, साले एलविश जाके नॉमिनेट करता है फलक को, ये कहते हैं सॉरी अविनाश को करता है, ये कहते हुए कि उसे फलक पसंद है और ये रास्ते का काटा है, मैं बढ़िया भाई सब क्या लॉजिकल रीजन दिया है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है यार, अविनाश निकाल दो ना यार प्लीज प्लीज निकाल दो, अभी वैसे जो दिखा रहा है बिग बॉस तक उसके हिसाब से तो अविनाश निकल रहा है, अबे एलवेश को 1 मिलियन से ऊपर वोट मिल चुके भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं, सेकंड वोट 50,000 पे चल रहा है, 60,000 पे ऑलमोस्ट, कौन आशिका भाटिया, दूसरे तीसरे पे जिया शंकर, लास्ट में फलकनाथ और ये अविनाश सतदेव, अभी भी डायन बैठी हुई है, अरे नागिन डायन यू अभिषेक टेबल समझे उसे, दूर रहे हमारे लौंडे से, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ बाकी वोटिंग के जो मैं कह रहा था एलवेश तो सेफ हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी अविनाश और जिया शंकर इनकी पीयर काफी स्ट्रॉन्ग है, साले लास्ट में भी इन्होंने एक दिन पहले सब कुछ चेंज कर दिया था, अविनाश के पास पता नहीं कैसे 40-50,000 वोट आ गए थे, बट इनका कोई गारंटी नहीं ले सकते इन नंबर्स का, क्योंकि कुछ दिन पहले यही कह रहे थे अरे ध्रुव राठी वाइल्ड कार्ड एंट्री, मैं तो 4 वीक का बचा हुआ है, मतलब इस वीक के बाद 3 वीक और है, 3 वीक में झक मारने आएगा ध्रुव राठी, बट आ जाएगा तो मजा ही आएगा और क्या कर सकते। बाकी खबर तो ये भी आ रही है कि सलमान खान शो छोड़ चुके हैं,
अगले वीक में भी नहीं आएगा वीकेंड के बारे में सलमान खान। ऐसी खबर आ रही है कि वो जो फोटो नहीं थी बोला जुबा केसरी करते हुए, जुबा केसरी नहीं था, सिगरेट पकड़ के आ गई थी फोटो, उसको लेके वो मेकर्स और जो है क्रिएटिव टीम उनसे काफी नाराज है, इसलिए वो छोड़ रहा है। बट उनकी तरफ से आ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं मैं कहूँगा तो भी बताओगे थोड़ी, वो तो वीकेंड के बारे में पता चलेगा। और सर लेके आना ना किसी ढंग के, उसको लेके आओ ठीक है, कृष्ण अभिषेक से नहीं हो पाएगा पर वो कॉमेडी करवा लो, उसमें भी बहुत घटिया है वो। अरे बाहर क्या गंद देखिए मैंने दो दिन। हाँ इसके अलावा क्या, हाँ इसके अलावा है मेरा बर्थडे जो आज रात 12 बजे से शुरू होगा, इसलिए 11 से 12 मैं लाइव रहूँगा इस चैनल पर। अगर जगे रहो तो ज्वाइन कर लेना, अगर सो जाओ तुम्हारी किस्मत, मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही रात में जगता हूँ। रातों का सौदागर लाइक कर देना, पीस आउट।